हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सुनील ट्यूटोरियल और मैं हूं सुनील। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 3D मोबाइल सब्सक्राइब एनिमेशन क्रिएट करके बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप फॉलो करते हो तो आप भी कुछ इस प्रकार का 3D मोबाइल सब्सक्राइब एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, वो भी कुछ स्टेप को फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरे इस प्रोजेक्ट टैब में दो वीडियो है, जो कि मेरा एक ट्यूटोरियल वीडियो है और दूसरा जो है ये मेरा डेमो वीडियो है, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आगे बताऊंगा आप इसे किस तरह से यूज़ करोगे। उसके लिए आपको इसे डाउनलोड करना है और यहाँ से एक नया कंपोजिशन क्रिएट कीजिए और आप इसके ड्यूरेशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे जस्ट 20 सेकेंड्स का कर देता हूँ। उसका ब्लैक बैकग्राउंड की जगह आप कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, ये टोटल ऐप पर डिपेंड करता है। जस्ट मैं यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ले रहा हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इस डेमो वीडियो को इस टाइमलाइन में ऐड करना है और ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपने वीडियो को यूज़ करना है। मैं यहाँ पर अपना एक ट्यूटोरियल वीडियो यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से मैसेज बबल क्रिएट कर सकते हो, वो भी फिल्मोरा के अंदर, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी आपको अपन कीबोर्ड से प्रेस करना है। उसके बाद मूव ऑल एट्रीब्यूट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप मेन वीडियो टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस मेन वीडियो को सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर की फ्रेम ऐड कीजिए। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करना है और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करना है। अब आपको अपने कीबोर्ड से यू को प्रेस करना है दो बार, जिससे यहाँ पर आपके सामने ये एनिमेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा दोनों की फ्रेम का। और इस दोनों की फ्रेम को आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना होगा और आप इस वाले वीडियो को थोड़ा सा हाइड कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, या मैंने इस वीडियो में कब लाइक पर क्लिक किया है, मैंने यहाँ पर लाइक पर क्लिक कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मेरा वीडियो इस मोबाइल में फिट हो जाए। तो उसके लिए आपको इस की फ्रेम को स्टार्ट में लेके जाना है, यहाँ पर रखना होगा और उसके बाद आप इसे विजिबल कीजिए और आप इसके स्केल को थोड़ा सा कम कीजिए। तो आप यहाँ पर 25 कर दीजिए इसे, और 25 नहीं 24 कर दीजिए, जिससे एकदम परफेक्टली फिट दिखे। और आपको अपने कीबोर्ड की हेल्प से इसे इसमें फिट करना होगा। मैं यहाँ पर 24.5% इसका स्केल कर देता हूँ और ये कुछ तरीके से हमारा इस मोबाइल में अरेंज हो चुका है। और मैंने आपको बताया था इस वीडियो को आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर भी मेरे चैनल का लोगो और यहाँ पर नाम आ रहा है। तो आपको जस्ट अपने चैनल का लोगो और नाम के साथ एक स्क्रीनशॉट खींच लेना है या क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर एक शेप ऐड कर रहा हूँ, इसे फिल कर देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो और जो नाम है वो हाइड हो चुका है। तो वहाँ पर आप अपना लोगो और नाम ऐड कर सकते हो बाद में। उसके बाद अगर आप इसे प्ले करते हो तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये आपका वीडियो चल रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा होगा और ये आपके मोबाइल के स्क्रीन में परफेक्टली सेट हो जा रहा है। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो भी जूम आउट हो, तो उसके लिए इस की फ्रेम पर आइए। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से पी प्रेस करना है, उसके बाद की फ्रेम ऐड कीजिए, उसके बाद एस प्रेस कीजिए और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कीजिए और फिर से यू प्रेस कीजिए दो टाइम और इस पीछे वाले की फ्रेम पर आइए और इस मेन वीडियो को हाइड कीजिए। और आपको इस मोबाइल के स्क्रीन के स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा लगभग 400 के अकॉर्डिंग। और आपको इसे
कीबोर्ड के एरो की हेल्प से स्क्रीन में फिट करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 410 कर देते हैं इसको। अभी देखिए ये हमारा परफेक्टली इसमें एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको इस वीडियो को अनहाइड करना है। अब प्ले कीजिए आप इस वीडियो को, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट दिख रहा है। उसके बाद आपको इसके एंड पार्ट को भी क्रिएट करना होगा। जब हमारा ये जो नोटिफिकेशन का ऑल पे क्लिक हो जाता है उसके बाद के लिए, तो यहाँ पर आइए और आपको इसके की फ्रेम में ऐड कर देना है सभी में। एक एक की फ्रेम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा आगे जाइए और यहाँ पर आपको इस सभी के सेटिंग्स को वापस से रिसेट करना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 410 है, तो हम यहाँ पर वही ऐड करेंगे 410। जस्ट एक की फ्रेम ऐड करते जाइए यहाँ पर सभी में 410। उसका इसके इसे अनएड कर दीजिए। उसके बाद आपको इसके पोजीशन में चेंजेस करना होगा, तो उसके लिए इस पीछे वाले की फ्रेम पे आइए और यहाँ पर देखिए ये जो वीडियो का जो स्क्रीन है वो है 540। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर 540 टाइप कीजिए। उसके बाद इसके एक्स को 960 पर क्लिक कर दीजिए या टाइप कीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। ये आपका इस वीडियो का स्क्रीन में सेट हो चुका है और हम इसे अभी हाइड कर देते हैं। और हम इसके पीछे वाले स्क्रीन में जो कि हमारा डेमो वीडियो है उसके लिए भी हमें सेम सेटिंग करना होगा। और ये आपको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेना है। ये एकदम हमारा परफेक्टली बन चुका है। बट जैसा कि आपने डेमो में देखा होगा, ये जो हमारा मोबाइल स्क्रीन है वो 3D में क्लिक होता है, जैसे कि हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है वो 3D में भी रोटेट होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कैमरा और एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए और यहाँ से कैमरा को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप 24mm का एक कैमरा क्रिएट कीजिए। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, जिससे यहाँ पर 3D के लिए ऑप्शन आपको आ जाएगा, जिससे आप इस सभी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर आप F4 से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टॉगल स्विचेस पर भी क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको सेम ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो सभी को 3D में कर दीजिए। उसके बाद आपको इस नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आपको अपने कीबोर्ड से R प्रेस करना है। उसके बाद आपको इस पिक वेव को सेलेक्ट करना है और इसे इस नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर दीजिए। उसके बाद आपको इस मेन वीडियो को ऐसे अनहाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से इस वीडियो के बैकग्राउंड को 3D में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कि हमारा डेमो वीडियो था। उसके बाद यहाँ पर आपको रोटेशन में कुछ चेंजेस करना होगा, आप रोटेशन को कर दीजिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर वाई रोटेशन को आपको माइनस में करना होगा। उसके बाद जी रोटेशन को आप इसे भी माइनस में कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट उसके बाद आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको इस की फ्रेम को कॉपी करना होगा Ctrl+C और यहाँ पर आइए और इसे पेस्ट कीजिए। और उसके बाद इस की फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए Ctrl+C, उसके बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिए इसे। अगर अभी आप इसे प्ले करती हो तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप इसमें अपना ऑडियो ऐड कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कुछ इसी प्रकार से आप ऑडियो ऐड करके इस वीडियो को क्रिएट कर पाओगे। बट हमने इसमें जितना भी की फ्रेम ऐड किया था तो उसमें हमने इसमें एजेस ऐड नहीं किया है। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है, उसके बाद यू हिट कीजिए दो बार। उसके बाद आपको इस सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कीजिए और इसमें हमने एजेस ऐड कर दिया है। उसके बाद अगर आप इसे प्ले करते हो तो आपको ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और ये जो है
ऐसा एनिमेशन आपने बहुत से यूट्यूबर को अपने वीडियोस में यूज करते हुए देखा होगा, तो वो भी कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं। मैं सटीक दावा तो नहीं कर सकता कि वो भी कुछ इसी प्रकार से क्रिएट करते होंगे। सबका एक अलग तरीका होता है किसी वीडियो को कि या किसी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, तो बस आप इस ट्रिक को यूज करके सिमिलर वीडियोस क्रिएट कर पाओगे। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @MrShivakumar। इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे वेबसाइट का लिंक, दोनों का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मैं फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।